हेलो गाइज, वेलकम बैक। और आज मैंने देखी मदर्स डे नेटफ्लिक्स पर। अब आप लोगों में से कईयों ने द मदर तो देखी ली होगी, तो ये मूवी उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, बस एक्शन सीन्स को छोड़ के। एक्शन सीन्स मदर्स डे में ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा ब्रूटल भी। तो स्टोरी शुरू होती है इस एक्स नेटो सोल्जर से, जो कि रिटायर्ड है और एक गुमनामी जिंदगी जी रही है। और अब मदर्स डे पर इसका बायोलॉजिकल बेटा किडनैप हो जाता है। और अब मैंने वर्ड बायोलॉजिकल इसलिए यूज किया क्योंकि इसने इस बच्चे के पैदा होते ही इसको किसी और को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया था, जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बट अब यही बच्चा किडनैप हो गया है और ये जो मम्मी है ये अब निकल पड़ती है अपने बच्चे को बचाने। तो देखो गाइस, ऑनेस्टली इस स्टोरी लाइन में कुछ नया नहीं था, और स्टोरी लाइन जो है वो थ्रू आउट प्रेडिक्टेबल भी है। और इस स्टोरी को सिर्फ दो ही चीजें सपोर्ट कर रही हैं, एक तो एक्शन सीन्स और दूसरा इसका रन टाइम। और एक्शन सीन्स ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्रूटल। जैसे कि इसमें किचन फाइट सीन है, और किचन फाइट में नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी चीजें पड़ी होती है, कप सॉसर पैन वगैरह, इन सब चीजों को ना ऐसे हथियार बना बना के ये लोग फेंकते हैं, मारते हैं वगैरह वगैरह। बट इस बार इस मूवी में दिखाया कि किचन में पड़ी हुई सब्जियों को भी इन लोगों ने हथियार बनाया, जैसे कि गाजर, और वो देखने में सच में आई ओपनिंग था वो। इसके साथ साथ एक्शन सीन्स जो थे वो फास्ट कट में नहीं थे, कई एक्शन सीन्स वन शॉट मिलेंगे आपको, और काफी सारे सीन्स जो थे वो लॉन्ग शॉट में थे, तो जो मेहनत थी वो साफ स्क्रीन पर दिखाई देती है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करें तो देखो, ये जो एक्ट्रेस है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और इन्होंने ना ओवरऑल दो स्पेक्ट्रम कवर किए अपने कैरेक्टर्स के, एक तो जब इनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है तब, और एक तो जब इनका कैरेक्टर एक्शन सीन्स करने के बाद जब पूरी तरह थक चुका है, मतलब आपको इनको देख के ऐसा फील होगा दैट शी इज नाउ ऑन द एज, और अब ये फट जाएगी, लिटरली फट जाएगी, तो ये चीज एक्चुअली देखने में और फील करने में अच्छी लगती है। फिर इस मूवी के विलन, सब विलन के हिसाब से मूवी में काफी सारे विलन हैं, मतलब वो गेम्स में कैसा होता है कि हर 10 लेवल में से 9 जो होते हैं वो मिनी बॉस होते हैं और फाइनल स्टेज पे बड़ा वाला बॉस, मेन बॉस, तो वैसा ही सेम इस मूवी में भी है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें जो विलन्स होंगे वो टोटल मेनियक होंगे, बट ऐसा था नहीं, वो थोड़े से गूफी और फनी थे, और उन सब लोगों ने यूज किया डार्क ह्यूमर, जो कि 60% उनके जोक्स लैंड होते हैं और 40% नहीं लैंड होते हैं। एक इस मूवी में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे जो फील हुआ वो ये था कि माँ बेटे का जो कनेक्शन दिखाना चाहिए था, जो बिल्डअप होना चाहिए था, वो ना तो बिल्डअप हुआ है ना कि ज्यादा दिखाया है। अब इस मूवी में दिखाया है ड्रग कार्टल, वेपन स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह वगैरह, तो दिखाया है वो तो अच्छी बात है, बट हर पे पैर फैलाने की कोशिश की गई, इसलिए मूवी कहीं की भी नहीं रह जाती। तो इसको बोल सकते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट उस जैक में भी थोड़ी सी कमी रह गई। अब बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, तो बैकग्राउंड स्कोर ठीक था, जैसा कि एक रेगुलर एक्शन मूवी का होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही था, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया ऐसा फील नहीं हुआ, सो ओवरऑल इट वॉज फाइन। मूवी का प्रॉपर रन टाइम है 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट्स, जो कि आपको एटलीस्ट बोर नहीं होने देगा, और ये जो लेंथ है ये मूवी के पेस को फास्ट रखता है। और फाइनली इस मूवी में न्यूडिटी है, सेक्स सीन्स है, गालियां हैं और खून खराबा भी, तो मेरी तरफ से इस मूवी को 2.5 out of 5। अभी रेटिंग भले ही आपको कम लग रही होगी, बट अगर मेरे सामने चॉइसेस रख दी जाए, द मदर, ब्लडी डैडी और ये वाली मूवी, तो मैं यही वाली मूवी चूज करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्शन सीन्स। और ये मूवी मैं आपको तभी देखने को कहूंगा जब आपके पास लिटरली कुछ भी नहीं हो। और जाते जाते एक और चीज, इस मूवी के एंड में एक छोटा सा हिंट दिया है कि अगले साल शायद इसका एक पार्ट 2 आएगा, अब वो आएगा या नहीं, आई गेस वी विल हैव टू वेट। और आज के वीडियो में बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज अभिलाष नायर साइनिंग ऑफ, बी ऑसम, बाय बाय।